हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। ठीक है, टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने कांस्टेंट फोर्स बोल के किया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल फोर्स के रिलेटेड करेंगे, और वो क्या रहेगा हम लोग का, वर्क डन। ठीक है कि नहीं। अब इसी के रिलेटेड थोड़ा सा पहले थ्योरी से बता दे रहा हूँ। लेट अस कंसिडर अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, वेरिएबल फोर्स कंसिडर किया। वेरिएबल फोर्स मतलब क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होते रहेगा। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो किस पे एक्ट कर रहा है, एक बॉडी में। ठीक है, फुल स्टॉप। लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रहा है किस डायरेक्शन में, इन द अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसी के रिलेटेड अब मैं ग्राफ बना के मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन द वेरिएबल फोर्स, और वेरिएबल फोर्स क्या है, एफएक्स, एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द बॉडी इज शोन इन फिगर, इज शोन इन फिगर। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके इसका कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अभी ग्राफ किस किस का बनेगा, हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट का बनेगा और वेरिएबल फोर्स का बनेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से एक्साइज से लेके, दैट मीन्स इनिशियल से लेके, ठीक है, इनिशियल से लेके यहाँ पर फाइनल तक गया। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोगों का क्या है, वेरिएबल फोर्स के लिए एफ एक्स लिखा है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, लेट अस कंसिडर अ वेरिएबल फोर्स, ये हम लोग का क्या है, दिस इज अवर वेरिएबल फोर्स, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक ऐसा ग्राफ बना दे रहा हूँ, सपोज इस टाइप का ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जब ग्राफ बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर देखोगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, और पोजिशन भी हम लोग का क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स यही हम लोगों को यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अभी वर्क डन फाइंड करेंगे, और कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। सो यहाँ पर हम लोग का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पर देखो तो जो फोर्स है वो क्या हो रहा है, वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है कि नहीं। सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वहाँ पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, सो इसी ग्राफ को मैं दूसरा ग्राफ एक और बना के यहाँ पर, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, वर्क डन फाइंड करने के लिए जो अभी ग्राफ बनाया था, इनिशियल से लेके फाइनल तक, इनिशियल से लेके फाइनल तक ऐसा ग्राफ बना था, अभी मुझे वर्क डन फाइंड करना है, जो ये हम लोगों का क्या है, दिस इज अवर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, ये हम लोग का वेरिएबल फोर्स है, ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो अभी हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटा सा एरिया लिया। ठीक है, एक छोटा सा क्या किया हम लोग ने, एरिया लिया। ठीक है, सपोज ये एरिया, जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग ने नाम दिया ए बी सी डी, दैट मीन्स ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये वाला छोटा सा पार्ट को डेल्टा एक्स लिख दिया, ये वाला पार्ट को हम लोग ने क्या लिख दिया, एफ, नोटेशन वाइज लिखा है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के लिए। नो टू कैलकुलेट द वर्क डन
by the variable force. वेरिएबल फोर्स को क्या नाम दिया था हम लोग ने, एफ ब्रैकेट में एक्स, ठीक है, टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, और इनिशियल पोजिशन क्या था एक्स आई, टू फाइनल पोजिशन, और फाइनल पोजिशन क्या लिया था हम लोग ने एक्स ससिप एफ, ठीक है, डिवाइड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंटरवल, ईच ऑफ स्मॉल विथ डेल्टा एक्स. अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कहां से कहां तक, एक्स आई से एक्स एक्स तक, ठीक है. सो वर्क डन के लिए हम लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या होता है हम लोगों का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहां पर हम लोगों का क्या है वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, दैट मींस एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. सो इसी के लिए मैंने क्या किया है, एक छोटा सा यहां पर क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट में डिवाइड करेंगे, छोटा सा पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब वही छोटा सा पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जाके छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट, कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई से लेके यदि एक्स एफ तक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये पूरा पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. सो अब हम लोगों को जो छोटा सा डेल्टा एक्स है, मैंने सोचा यहाँ पर डेल्टा एक्स, 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 मतलब हम लोग का डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स. मैंने तुम लोगों को जब स्टार्टिंग में लेक्चर बताया था, सपोज मेरा 50 केजी है, मुझे ले जाने में दिक्कत होगा, तो मैंने क्या किया था, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, और फाइनली जाके वहाँ पर मुझे पहुँचाना कितना था, सपोज 10 केजी है, तो मैंने 2 केजी 2 केजी 2 केजी 2 केजी करके 5 पार्ट में डिवाइड किया था. वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में जाके फाइनली जाके इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा समेशन हो जाएगा, ठीक है. सो लेट एफ एक्स बी द एवरेज वैल्यू ऑफ एस सबस्क्रिप्ट एक्स within the interval, और interval क्या है delta x, ठीक है. so यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा finally जाके, ये हम लोगों को याद होना है, ठीक है. then the work done क्या है डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि छोटा सा अभी छोटा सा पार्ट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो छोटा सा हम लोगों का वर्क डन, ठीक है, बाय द फोर्स ओवर एनी पार्टिकुलर इंटरवल इज गिवन बाय डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन इज इक्वल टू यहां पर डेल्टा एक्स, ठीक है. सो अभी हम लोगों का क्या है डेल्टा एक्स बोल के बोला गया था फ्रॉम द फिगर बी, ठीक है, फिगर बी हम लोग ने जो सेकेंड में फिगर बनाया था, इट इज क्लियर दैट जो डेल्टा डब्ल्यू ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, कौन सा स्ट्रिप था हम लोगों का ए बी सी डी हुज हाइट इज एफ एक्स एंड विथ कितना था, विथ हम लोगों का डेल्टा एक्स था, ठीक है कि नहीं. सो यहां से हम लोगों को फाइनली क्या कैलकुलेट करना था, वर्क डन कैलकुलेट करना था. देयरफोर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, और ये मतलब क्या होता है हम लोगों का एरिया ऑफ द स्ट्रिप, और स्ट्रिप किसका था हम लोगों का ऑफ विथ डेल्टा एक्स. सो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा
ठीक है कि नहीं। अब वही चीज़ को हम लोग थोड़ा एक वर्ड में लिखने वाले हैं, द टोटल वर्क डन W बाय द फोर्स इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई टू एक्स एफ तक, ठीक है, इज गिवन बाय W इक्वल टू समेशन ऑफ F डेल्टा W, ठीक है। सो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स बिटवीन एक्स आई टू एक्स एफ, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो कहाँ से कहाँ था, एक्स आई टू एक्स एफ, तो छोटा वाला जो डेल्टा एक्स था, छोटा वाला डेल्टा एक्स, ये पूरा हम लोगों को एरिया लेना है, तो कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। सो अब वही चीज़ को अब हम लोग फाइनली एक स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो देन द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बिटवीन इनफाइनाइटली लार्ज एंड हेंस, अब क्या हो जाएगा हम लोगों का, W जो हो जाएगा डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट में लगा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मत लगाओ तुम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। सो ये हम लोगों का क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। सो वर्क डन हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक एफ एक्स डी एक्स, ये हम लोगों का क्या देगा, टोटल एरिया ऑफ द कर्व बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, एक्स आई एंड एक्स एफ का मिल जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी कंक्लूड, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है। सो फाइनली हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, वर्क डन जो रहेगा, ठीक है, वर्क डन जो रहेगा वो हम लोगों का क्या रहेगा, ये पूरा एरिया हम लोगों का वर्क डन में आ जाएगा, ठीक है। सो ये कंसेप्ट तुम लोग लिख लेना। अच्छा, अब हम लोग इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू 4 meters अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 5 - 3x + 2xx² न्यूटन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोला गया है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है वर्क डन बाय द फोर्स। सो अभी हम लोग ने कंसेप्ट लर्न किया, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो, वर्क डन बाय द फोर्स कहाँ से कहाँ तक, अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ, वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, टू डिस्प्लेस पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहा है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 meters तक डिस्प्लेस कर रहा है। सो इसी से पहले हम लोग ने फाइनली जाके डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे कर लिया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में एक्स आई टू एक्स एफ एफ, ठीक है, क्या लिखा था हम लोग ने, dx लिखा था, वही यहाँ पर हम लोग ने फाइनली जाके लिखा।
अब यहाँ पर देखो इनिशियल हम लोग का कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके फोर तक। अब f कितना दिया है, 5 - 3x + 2xx² ठीक है dx। सो अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा, 5 0 to 4 dx - 0 to 4 3x dx + 0 to 4 यहाँ पर 2xx² dx। अब यहाँ पर देखो 5 इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाल दो 0 टू 4 माइनस, मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n dx मतलब क्या हुआ है, n+1 / n+1, वही चीज़ यहाँ पर डालेंगे 3x⁻¹⁰ / 1+1, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है 1 ठीक है 0 से 4 +2x³⁷ 0 से लेके 4 तक ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे ठीक है। सो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना था हम लोग का 4, लोअर लिमिट 0 था ठीक है, माइनस 3 × वहाँ पर डालो 16/2 माइनस 16 किस लिए आया, यहाँ पर देखो ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, डायरेक्ट शॉर्टकट मार दिया 5x⁻¹⁴ माइनस 3x²/2 0 to 4 प्लस 2x³/3 कहाँ से कहाँ तक 0 to 4। अब यहाँ पर देखो अपर लिमिट डालेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 ठीक है लोअर लिमिट का, प्लस 2 × 4 का डाल दो कितना हो जाएगा 64/3 माइनस 0। सो फाइनली तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 20 - 24 + 42.67, ये हम लोगों का फाइनली जाके आ जाएगा 38.67 जूल आ जाएगा ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना।